नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज प्रताप सिंह भाई फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे ट्रिपल सी के एग्जाम में अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी संख्या को जीरो से विभाजित करने के लिए निम्न में से कौन सा उत्तर आएगा। ये आपका एक्सेल का क्वेश्चन है। जब एक्सेल पे आप स्प्रेडशीट पे वर्क करते हो या कोई भी काम करते हो तो क्या होता है कि अगर आप कुछ रॉन्ग लिखते हो या सपोर्टेड मार्जिन, अगर आप फार्मूला रॉन्ग लिखते हो तो आपका उत्तर सेल में क्या आता है। तो वही पूछ रहा है किसी भी संख्या को जीरो से विभाजित करने के लिए निम्न में से कौन सा उत्तर आएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी फर्स्ट का ऑप्शन बी होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो आप सभी को पता है जो स्क्रीन पे होता है हमारा आउटपुट होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जो हाथ में यानी कि जो A4 साइज का पेपर होता है जो प्रिंटर आप प्रिंट निकलवाते हो वो होता है हमारा हार्ड कॉपी होता है। तो प्रिंटर जो होता है वो हमारा क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो ये जो होता है ये हमारा स्कैनर होता है। स्कैनर इज द करेक्ट आंसर होगा इसमें, क्योंकि अगर इसमें पूछता सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना अगर पूछता तो आपका प्रिंटर होता, लेकिन इसमें पूछ रहा है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना यानी कि हार्ड कॉपी जो है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, तो इसमें आपका स्कैनर होगा। स्कैनर से क्या करते हैं, हम इनपुट लेते हैं कोई भी, जैसे सपोर्टेड मान लीजिए कुछ भी स्कैन करना हो और हमको कंप्यूटर में लेना है तो स्कैनर का उपयोग करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल मेनू में नहीं होता है, ड्राइंग, एडिट, फाइंड, एरो। तो आप सभी को पता है कि ड्राइंग का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं होता है। राइटर का मतलब आप समझ लीजिए जो माइक्रोसॉफ्ट में हमारा एमएस वर्ड होता है वही लिब्रे ऑफिस में हमारा राइटर होता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट में हमारा एक्सेल होता है वही लिब्रे ऑफिस में हमारा कैल्स होता है। बट क्वेश्चन किससे ज्यादा पुटअप होता है, वो हमारा होता है लिब्रे ऑफिस से होता है, और लिब्रे ऑफिस में पुटअप किससे होता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो होता है हमारा किससे, शॉर्टकट की। तो भाई शॉर्टकट की पे ज्यादा ध्यान देना। फोर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीम ऐप एक दिन में कितना लेन देन किया जा सकता है, भीम ऐप से एक दिन में कितना लेन देन किया जा सकता है, 20,000, 40,000, 10,000 की 1,00,000, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि आप सभी लोग पेटीएम एटीएम सब कुछ चलाते हो तो आप सभी को पता होगा कि एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन हो सकता है भीम ऐप। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 14,000 यानी कि 40,000। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है, रेलवे, इंटरनेट, के डाकघर, की कोई नहीं। तो यहां पे सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप यानी कि पोस्ट मतलब आप सभी लोग जानते हो कि पोस्ट ऑफिस होता है हर गांव में, डाकिया का काम जो होता है पोस्ट ऑफिस, तो ये सीधी सी बात है आपका डाकघर से रिलेटेड है, क्योंकि रेलवे तो भाई ये जारी नहीं करेगा ना, इंटरनेट आपका जारी करेगा, तो ये सीधा सीधा पोस्ट इन्फो है। तो पोस्ट इन्फो का मतलब सीधा सीधा आप नीचे आंसर देखिए तो इसमें आपका डाकघर का ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एनालॉग कंप्यूटर किस मामले में डिजिटल कंप्यूटर की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, इन व्हाट रिस्पेक्ट कैन एनालॉग कंप्यूटर नॉट कंप्लीट विद आर डिजिटल कंप्यूटर, क्या होगा, रिलायबिलिटी, स्पीड, कॉस्ट की एक्यूरेसी, क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर थे उसमें मैंने कराया था, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पूछ रहा है एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक एनालॉग कंप्यूटर किस मामले में डिजिटल कंप्यूटर की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता यानी कि कंपटीशन नहीं कर सकता है, तो ये जो होगा आपका ये होगा भाई कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आप सभी लोग जानते हो प्राइस जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स का क्या होगा, सी होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतर फॉन्ट साइज क्या होता है। तो इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो 96 यानी कि 96 होता है अधिकतम फॉन्ट साइज जो भी राइटर का होता है, क्योंकि उसका क्या नाम है, कैल्स का अलग होगा और राइटर का अलग होगा, सबका अगल अलग होता है, उसकी जूमिंग अलग होती है, इसकी भी जूमिंग अलग होती है। एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से गैर अस्थाई मेमोरी कौन सी है, SDRAM है कि EEPROM है कि ROM है कि SSD, क्या होगा। गैर अस्थाई विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन परमानेंट मेमोरी, नॉन परमानेंट मेमोरी की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन।
तो इसमें जो होगा वो आपका एस डी रैम होगा, एस डी रैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेटिक डायनेमिक रैम होता है, एस डी रैम का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, स्टेटिक डायनेमिक रोम रैम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में हम लिब्रे ऑफिस में नहीं जोड़ सकते हैं, किस फॉर्मेट को हम लिब्रे ऑफिस में नहीं जोड़ सकते हैं, XML, BIP की HTML की EXML, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो EXML है उसको हम लिब्रे ऑफिस के किसी भी फॉर्मेट में नहीं जोड़ सकते। आप XML फाइल को जोड़ सकते हो, BIP को भी जोड़ सकते हो और HTML फाइल को भी जोड़ सकते हो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फार्मूला राउंड 1776 -2 का मान क्या होगा। तो आप सभी को एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन फार्मूला से अगर पुटअप करता है तो आप तुक्का मार के चला जाइए या फिर गेस मार के चला जाइए, क्योंकि भाई वहां पे आपको सॉल्व करने के लिए पेपर कॉपी और पेन नहीं मिलेगा। सीधी सी बात आपके होगा, अगर आपकी माइंड अगर आपका सेट है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप अपने मन में सॉल्व कर लेंगे, बाकी अगर आपको गेस करना है तो गेस करके वैसे ही आप कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर गेस अगर आपका अच्छा है तो आपको नंबर मिल सकता है। वैसे क्वेश्चन जो फार्मूला का रिलेटेड होता है वो आपसे 2-3 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1800 होगा आपका, 1800 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण है, फिजिकली के नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सेस द कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन की इजी ऑफ डाउनलोड, क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइए। मोबाइल सभी लोग चलाते हो आप, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये आप सभी को पता है फिजिकली है, फिजिकली जोखिम सबसे महत्वपूर्ण होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्ड पर CVV नंबर निम्न में से किससे संबंधित है, कार्ड पर CVV नंबर आप सभी को पता होता है जो ATM कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है आपका, उसमें पीछे CVV नंबर होता है। जब कभी भी आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो विदाउट CVV नंबर से पेमेंट नहीं होता है, आपको CVV नंबर की डिजिट जो 3 डिजिट होती है उसको डालनी ही पड़ती है। तो CVV नंबर का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो CVV का फुल फॉर्म क्या होगा इसका, होगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है तो ये ऐड किया गया है सर्वर में भी, जल्दी ही ऐड किया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से तो नहीं पूछा गया था, क्योंकि ये जो अक्टूबर का एग्जाम है इसी में ये क्वेश्चन आया है, नया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सर्वर में अभी ऐड किया गया है। तो CVV का फुल फॉर्म क्या होगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल स्लाइड शो करने के लिए होता है, किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल स्लाइड शो करने के लिए होता है, जो स्लाइडें होती हैं आपकी प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट में जो आप स्लाइड बनाते हो उस स्लाइड को शो करने के लिए कौन सी कुंजी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो F5 जो होता है, F5 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। F5 अगर आप प्रेस करोगे तो आपकी जो स्लाइडें होती हैं, स्लाइड जो आप मल्टीपल स्लाइड्स बनाते हो वो अपने आप चलने लगेगी, जो आप स्लाइड सारी की सारी जो कंपाइल करके रखे होगे अगर आप F5 प्रेस करते हो तो वो ऑटोमेटिक चलने लगती हैं, आपको 1x1 स्लाइड चलती रहती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, F5 फंक्शन की होती है हमारी, प्रेस करना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, FDM का पूरा नाम क्या है, FDM का पूरा नाम क्या है, तो ये आपका फ्यू डिपोजिशंस मॉडलिंग होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। FDM का फुल फॉर्म फ्यूज डिफ्यूजन्स मॉडलिंग। निम्न में से किसका अनुसरण चार्ज संबंधित करने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, क्लिक टू ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट, जो आपका चार्ट है उस पर आपको लेफ्ट जो कर्सर लेफ्ट जो होता है माउस का की होता है उस पर डबल क्लिक करना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेनू होते हैं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेनू होते हैं। अब आप लोग ये भी समझ लीजिए, इंप्रेस जो होता है वो हमारा जो MS वर्ड में हम पावर पॉइंट को बोलते हैं, वही लिब्रे ऑफिस में हम इंप्रेस को बोलते हैं। तो इंप्रेस में कितना होता है, तो ये होता है आपका 10 मेनू होते हैं
और एमएस वर्ड में आपके कितने मेनू होते हैं, कितने टैब होते हैं, आपके 7 टैब होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी डाटा को अवरोही या फिर अवरोही, आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, डाटा डाटा फॉर्म, डाटा सॉर्ट, डाटा टेबल, क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जो निकल गया था ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस के उपयोग में एक से अधिक डेस्कटॉप बनाया जा सकता है, टेक्स्ट बार आइकन, टास्क व्यू आइकन की, स्टोर आइकन की, टास्क रिव्यू आइकन, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर निकल गया था ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टास्क व्यू आइकन से आप मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हो अपने डेस्कटॉप पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, GNU का पूरा नाम क्या है, तो GNU का पूरा नाम होता है GNU ऑब्स्टैक एस नॉट यूनिक्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन नए हैं जो इस बार पुटअप किए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रमाणीकरण की सबसे न्यूनतम सुरक्षित विधि है, की कार्ड, फिंगरप्रिंट, रेटिना पैटर्न्स की, पासवर्ड, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन तो इसका होगा पासवर्ड, पासवर्ड होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से इंफेसिस ऑप्शन किस मेनू में होता है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट की, व्यू, तो ये जो आपका है वो आपका व्यू ऑप्शन में होता है, व्यू ऑप्शन में होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 21 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई वॉलेट किन घटकों का सही संयोजन होता है, ई वॉलेट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ विच कॉम्पोनेंट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं निकलता है, हार्डवेयर एंड इंटरनेट का कोई मतलब नहीं होता है, और हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन का भी कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा बचता क्या है, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन बचता है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्सेरा में उडमेनी निम्न में से किस प्रकार के होता है, वेब सर्वर होता है कि नन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है कि वेब ब्राउजर होता है, थोड़ा ये मेरा प्रोसेसन गड़बड़ है, तो इस लोग आप लोग देख लेना इसमें क्या होगा राइट, क्या लिखा है, कर्सेरा लिखा है, कर्सेरा लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, नया क्वेश्चन ऐड किया गया है, तो आप लोग अपना प्रोसेसन देख लेना, कंसेशन अपना देख लेना। तो इसका क्या होगा, तो ये होगा ये आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसपे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कोरोना के बाद हमको ई लर्निंग ही करने को मिला है, ऑफलाइन क्लास बहुत ही कम करने को मिला है, तो ये सब आपको पता ही होना चाहिए कि ई लर्निंग में क्या होता है और क्या नहीं होता है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट्स द 24 क्वेश्चन, PNR स्थिति के माध्यम में उपयोग कर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उमंग, क्रिस, IRCTCH, रेल सारथी, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका भाई उमंग होगा, क्योंकि बाकी जो सारा ऑप्शन है उसमें PNR लगता ही लगता है, बाकी आपके उमंग ऐप जो है उसमें आपका PNR नहीं लगता है, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेब ब्राउजर की डाउनलोडिंग लिस्ट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी वेब ब्राउजर अगर आप चलाते हो तो कंट्रोल के साथ में अगर आप जे प्रेस करोगे तो उसका डाउनलोड जो टैब होता है वो ओपन हो जाएगा, समझ में आ गई आपको बात। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, तो ये आपका आउटलाइन व्यू केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है जो आप लिखे हुए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर एक साथ ही शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, वर्कस्टेशन, मेनफ्रेम कंप्यूटर, क्या होगा उसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका वर्कस्टेशन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फायरवॉल का क्या आशय है, तो फायरवॉल का आप सभी को पता है, फायरवॉल नेटवर्क आधारित सुरक्षित उपाय है, ये सही है आपका, जो आने वाले
और बाहर जाने वाले ट्रैफिक का प्रभाव को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर आप सभी को होता है। तो फायरवॉल जो होता है वो हमारा अनऑथराइज्ड जो वायरस वायरस होता है उसको रोकता है, और जो कुछ भी हमारी सिक्योरिटी, जैसे कोई भी अगर एक्सेस हो ही जाता है तो कोई सिक्योरिटी जो हमारा होता है इन्फॉर्मेशन उसको जाने से रोकता है। तो क्या होता है, एक प्रकार का समझ लीजिए दीवार होती है जिससे जो अथॉराइज लोग होंगे वही अंदर आ सकते हैं और जो अनऑथराइज लोग होंगे वो बाहर खड़े होकर वेट कर सकते हैं। सीधा सीधा फंडा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूएसएसडी कितने समय तक काम करता है, यूएसएसडी कितने समय तक काम करता है दोस्तों। तो यूएसएसडी आपका 24/7 यानी कि 7 दिन काम करता है। लिब्रे ऑफिस केल्स में प्रिंट व्यू किस मेनू में होता है, लिब्रे ऑफिस केल्स में प्रिंट व्यू किस मेनू में होता है, तो भी आपको पिछले क्वेश्चन करा है, तो ये आपका फाइल मेनू में होता है। 31 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड हो सकते हैं और ब्राउजर के हिस्से के रूप में स्वचालित होते हैं, तो ये जो होता है वो आपका एडवांस होता है, एडवांस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीबीडी का आविष्कार कब हुआ था, डीबीडी का आविष्कार कब हुआ था, तो डीबीडी का आविष्कार जो हुआ था वो हमारा 1995 में हुआ, यानी कि 1995 हुआ था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम लॉन्ग टेलीकम्युनिकेशंस, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, रिपीटर होगा जो हमारा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड, हॉस पास लॉस की सॉस, क्या होगा इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं कर पाए बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल क्या रहे, निम्न में से कौन सा क्लाउड का प्रकार नहीं है, क्लाउड का प्रकार पूछ रहा है, नहीं है, तो इसमें जो होगा हास जो है वो आपका क्लाउड का प्रकार नहीं है, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर, बाकी जो सारे हैं वो आपके क्लाउड के प्रकार हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का हम कितने रुपए भेज सकते हैं, 2 लाख से कम, 2 लाख तक कि 2 लाख से अनलिमिटेड कि नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं, अनलिमिटेड, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो होगा 2 लाख से अनलिमिटेड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पाम मैंगो एंड्रॉइड की आईओएस, पूछ रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो पाम जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी मैंगो भी है, एंड्रॉइड भी है और आईओएस भी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कैलकुलेट इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, F9 होता है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कॉम्पोनेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ई वॉलेट, निम्न में से कौन सा सूचक घटक ई वॉलेट का हिस्सा नहीं है, इंक्रिप्शन ऑफ डाटा, यूजर नेम, अमाउंट, ये बी पेड यूजर डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका यूजर डेबिट कार्ड एंड डिटेल, जो होता है वो हमारा ई वॉलेट का कंपोनेंट्स नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है, कि रन ऑफ द अबव कहलाता है, कि रिस्टार्ट होता है, कि कोल्ड बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग अलग होती है, कोल्ड बूटिंग अलग होती है, आप सभी को पता होगा। तो ये जो होता है वो आपका रीस्टार्ट होगा, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीस्टार्ट कहते हैं, रीस्टार्ट, समझ में आया आपको, रीस्टार्ट, वार्म बूटिंग अलग होती है और कोल्ड बूटिंग अलग होती है। बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेजना संभव है, 2 times नो नेबर एस, क्या होगा इसका राइट आंसर, बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेजना संभव है, सब्जेक्ट जो हम लोग लिखते हैं बीच में, ईमेल टेक्स्ट है कि वीडियो है कि इमेज है, क्या है आपका सब्जेक्ट, तो वही पूछ रहा है, बिना टेक्स्ट के ईमेल भेजना संभव है, तो एस बिना टेक्स्ट के भी हम ईमेल भेज सकते हैं, अगर आप टेक्स्ट लिख के भेजते हो तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि ये इसने क्या भेजा है, टेक्स्ट भेजा है कि इमेज भेजा है कि वीडियो भेजा है ईमेल में। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर की मदद के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर की मदद के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका, कमेंट करके बताइए फटाफट।
पूछ रहा है विच की इज यूज टू हेल्प इन कंप्यूटर। तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के जो कौन से F1 होता है F1 के ऊपर आपने देखा होगा कि हमेशा क्वेश्चन मार्क का सिंबल बना होता है। और एक बात और भी ध्यान में आप लोग रख लीजिए कि कोई भी अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो F1 उस एप्लीकेशन भी क्या करता है, हेल्प करने का शॉर्टकट कुंजी होता है। बाकी अदर तो हेल्प करने की शॉर्टकट कुंजी उस एप्लीकेशन ने बनाए होते हैं, बट जो F1 होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका हेल्प करने के लिए ही होता है। बेस्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें कितने डिजिट होते हैं, इनमें कितने डिजिट होते हैं, IIN में कितने डिजिट होते हैं, सॉरी। तो इसमें जो आपके डिजिट होते हैं वो 8 डिजिट होते हैं। और 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सिलेक्टेड टू कन्वर्ट एन एक्सेल फाइल टू PDF। किसी एक्सेल फाइल को PDF में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, PDF की, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, ऑल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये होगा ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट करोगे आप। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी यूज्ड टू एक्सेस द USSD कोड। तो ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर *99#। ये सब क्वेश्चन नए ऐड किए गए हैं। आपका क्या होगा, मोबाइल से भी जो आपका USSD कोड होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इस अक्टूबर के एग्जाम में ऐड किए गए हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रोबोट में से किसे संबंधित नहीं है, मल्टी फंक्शनेबल, मल्टी मेन पोलिटर, प्रोग्रामर की बोथ AVV है कि नॉन ऑफ द डीज। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं कि CCC में अगर आपका उपयोग सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन देता है या इनमें से सभी ऑप्शन दे रहा है तो आपका वो ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, और या फिर बोथ का अगर ऑप्शन दे रहा है तो वो भी हमेशा राइट ही होता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम कम होता है, एक्सेस टाइम किस मेमोरी का, कैश मेमोरी की, मैग्नेटिक बबल्स मेमोरी की, मैग्नेटिक फोर मेमोरी की, रैम। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो जो कैश मेमोरी होती है वो हमारी क्या होती है, सबसे फास्ट वर्क करती है और इसका एक्सेस टाइम बहुत ही कम होता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू वी कैन एड टेक्स्ट बार, स्लाइड व्यू, स्टाइल व्यू, हैंडआउट व्यू, नॉर्मल व्यू। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नॉर्मल व्यू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन, में से कहां से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम। लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहा है, कहां पर कर सकते हो, ट्विटर पे आप कर सकते हो कि लिंक्डइन पे कर सकते हो कि फेसबुक पे कर सकते हो कि इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत फसल क्योंकि आपका फेसबुक पे भी लाइव हो सकता है और इंस्टाग्राम पे भी लाइव हो सकता है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका फेसबुक होगा क्योंकि फेसबुक पे सबसे पहले लाइव ऑप्शन आया था, देन उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम आया था, तो इंस्टाग्राम पे उसके बाद लाइव ऑप्शन, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो होगा वो फेसबुक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बट हम दोनों पे लाइव ऑप्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बोथ का ऑप्शन देता तो हम वही क्लिक करते। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह स्थान जहाँ पर सभी प्रकार के ईमेल व्यवस्थित रहते हैं इनमें से कौन सा है, इनबॉक्स, मेलबॉक्स, आउटबॉक्स, सभी प्रकार के ईमेल व्यवस्थित रहते हैं इनमें से कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि जो होता है हमारा इनबॉक्स जो होता है उसी में हमारा सब कुछ ईमेल इकट्ठा रहता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी में आता है, लेजर प्रिंटर, कि नॉन ऑफ द डीज, कि इम्पैक्ट, कि नॉन इम्पैक्ट, क्या होता है आपका, तो ये होगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका डीजी व्हील प्रिंटर आता है। तो ये दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन था जो अक्टूबर के एग्जाम में पूछे गए थे, बाकी अदर भी क्वेश्चन है तो उसको मैं भी सॉल्व करा दूंगा और लिब्रे ऑफिस का एक स्पेशल वीडियो मैं आपको बना के सॉल्व करा दूंगा, कम से कम 250-300 क्वेश्चन। तो अगर आप लोग इस वीडियो से सहमत हैं लिब्रे ऑफिस का 250-300 क्वेश्चन मैं कराऊं, अगर आप लोग चाहते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बाद बनाया जाएगा ये वीडियो लिब्रे ऑफिस का, इसमें आपका शॉर्टकट की ही रहेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत आपका फाइल मेनू से ही रहेगा। तो आप लोग अगर सहमत हैं इससे कि हाँ ये 250-300 का जो क्वेश्चन का वीडियो है लिब्रे ऑफिस का वो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना और दोस्तों के बीच में भाई आपको सब्सक्राइब शेयर कर देना,
और चैनल को जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।